दिल्ली में अब गर्मियां शुरू हो गई हैं। ऐसे में पानी की किल्लत से हर वर्ष दिल्ली वासियों को जूझना पड़ता है। पानी की किल्लत खत्म हो और दिल्ली का सुंदरीकरण हो, इसी के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने दिल्ली में बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलाए, जिनमें से एक सबसे बड़ा और अहम प्रोजेक्ट आज हम आपको बता रहे हैं। ये प्रोजेक्ट नेहरू विहार और गोपालपुर के ठीक बीच में, ठीक सिग्नेचर ब्रिज के पास करीब 50 एकड़ जमीन पर बनाया जा रहा है, जिसमें दर्जनों सुंदर झील बनाई जा रही है और एक बहुत बड़ा वाटर रिट्रीट प्लांट बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि पायलट प्रोजेक्ट के पास एक दो बड़े गंदे नाले हैं, जहां नजफगढ़ ड्रेन और सप्लीमेंट्री ड्रेन, जिसे बाईपास नाला भी कहा जाता है, जिन्हें इस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मिलाया जाता है और गंदे पानी को साफ किया जाता है। आपको बता दें कि नजफगढ़ ड्रेन और बाईपास के नाले बड़े पानी का इस वाटर रिट्रीट प्लांट में आएगा, जिसमें पानी को रिसाइकल किया जाएगा। किस तरीके से गंदे पानी को साफ किया जाएगा ये भी देखिए। इस 50 एकड़ जमीन पर करीब दर्जनों झील बनाई जा रही है। जब ये तैयार हो जाएंगे तो यहाँ पर कई आधुनिक मशीनें भी लगाई जाएंगी। फिर नालों से सीधा पानी इन झीलों में पंप द्वारा लगाया जाएगा, फिर उसको यहाँ नाले के गंदे पानी को रिसाइकल कर सीधा सिग्नेचर ब्रिज के पास यमुना नदी में साफ पानी छोड़ा जाएगा, जिससे यमुना नदी तो साफ होगी बल्कि जमीन का घटता वाटर लेवल भी बढ़ेगा और कहीं ना कहीं यहाँ झील के साथ साथ एक सुंदर पार्क भी बनेगा और आने वाले समय में इसे टूरिज्म प्लेस भी कहा जाएगा। इसके बनने के बाद कहीं ना कहीं सिग्नेचर ब्रिज की सुंदरता में 4 चांद लग जाएंगे। यहाँ काम करने वाले अधिकारियों ने बताया कि आने वाले समय में दिल्ली की खूबसूरत जगहों में से ये एक मानी जाएगी। ये प्लांट आने वाले कुछ महीनों में बनकर तैयार हो जाएगा, जिसका काम यहाँ तेजी से चल रहा है।